very warm welcome to today's session of our UGC NET Paper 1 course on Teaching and Research Aptitude. We, in this particular class, will be moving forward with the post-independence commissions with regards to the education in India. हम लोग ने कई कमीशन्स अलॉन्ग विद सर्टेन यू नो माइनर लेवल पे जो भी नॉन कमीशन्स हैं, जैसे कि हम संस्कृत कमीशन की बात करते हैं, इन कमीशन्स को हम ऑलरेडी कल के लेक्चर में कवर कर चुके हैं. आज भी कुछ माइनर और कुछ इम्पोर्टेंट यू नो कमीशन्स के साथ वी ऑल विल बी मूविंग फॉरवर्ड. जस्ट अ मोमेंट. तो हम लोग कल कहाँ तक कवर कर चुके थे? वी कवर्ड टिल हंसा मेहता कमिटी रिपोर्ट ऑन वुमेन एजुकेशन. ठीक है, आज की क्लास में वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद भक्त वत्सलम कमिटी रिपोर्ट. ये भी जो नेशनल काउंसिल ऑन वुमेन एजुकेशन है उसके साथ ही उसके रिगार्डिंग दो कमिटीज आई थी, एक हंसा मेहता कमिटी रिपोर्ट और एक भक्त वत्सलम कमिटी रिपोर्ट. ठीक है, ये भी अपॉइंट करी गई थी, ये भी एडवाइस की गई थी भक्त वत्सलम कमिटी रिपोर्ट. इन द ईयर 1963 एम भक्त वत्सलम जो थे इसके चेयरमैन थे. ठीक है, हु वाज चेयरमैन हियर? एंड इट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन. ठीक है, ये दोनों आपकी पी वाई क्यू में पूछी गई हैं, इनके रिगार्डिंग चीजें पूछी गई हैं. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट वाज इट एस्टैब्लिश मेनली? मेन एम क्या था? मेन एम था टू इन्वेस्टिगेट द रीजंस फॉर lack of public support for girls' education development, particularly in rural regions. इन रीजंस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि लड़कियों की एजुकेशन की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है, स्पेशली इन द रूरल रीजंस. आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट देयर वाज दिस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ अ स्टीरियोटाइप विद रिगार्ड्स टू वुमेन आर नॉट सपोज टू बी एजुकेटेड, दे शुड नॉट लर्न, एंड एट द एंड घर का ही काम करना है. तो रूरल रीजन्स में ये स्टिल प्रेवलेंट था. बाकी अर्बन सिटीज एक्सेट्रा में हम लोग को देखने के लिए मिलता है दैट धीरे धीरे वुमेन स्टार्टेड गेटिंग एजुकेशन, but in rural areas this was still the case. So to make sure that how the reasons can be investigated, unko address karke kaise solve kiya ja sakta hai, what can be the solutions that will be provided, bhakt vatsalam committee was made for the same. theek hai, un gaps ko fill in karne ke liye ki log jo hai, why are they not supporting, rural log kyu support nahi kar rahe hain. theek hai, particularly so what were the recommendations? What were the recommendations? Number one, government and public should work together. They should work together and proceed in a systematic manner. Number two, प्राइमरी लेवल पे को एजुकेशन जो है प्रमोट की जानी चाहिए, ताकि ये जो यू नो दिस इंटायर डिस्टिंक्शन बिटवीन फीमेल्स एंड मेल्स स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज वेल है, उसको खत्म किया जा सके. को एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करी गई.
प्राइमरी लेवल पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वुमेन सोशल एजुकेशन, वुमेन इन सोशल एजुकेशन सेंटर्स इन रूरल एरियाज, स्कूल्स कॉलेजेस एक्सेप्ट रूरल एरियाज, ये होने चाहिए. नंबर फोर, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ताकि एक पैरिटी बनी रहे. व्हाट डू वी मीन बाय पैरिटी? पैरिटी मीन्स इक्वालिटी. जैसे बॉलीवुड हो गया, या ऑफ कोर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज एज वेल, वी टेंड टू मेक श्योर दैट देयर इज जेंडर पैरिटी. जो भी वुमेन अगर एक पर्टिकुलर नंबर तक आ रही हैं एज कम्पेयर टू मैन, सेम एनरोलमेंट ऑलमोस्ट होना चाहिए. ऑल्सो पे पैरिटी, पे पैरिटी रिगार्डलेस ऑफ द पर्सन हु इज इन अ पोजिशन, बींग अ मेल और अ फीमेल, सेम पोजिशन पे हैं तो पे सेम होनी चाहिए विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ वो. ठीक है, तो पैरिटी होनी चाहिए, सीट्स इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन होनी चाहिए, एंड appealing remuneration. If a woman is teaching somewhere, working somewhere, etc., तो उनको जो सैलरी है वो अच्छी मिलनी चाहिए. इससे घर वाले जो हैं वो भी चाहेंगे उनकी बेटियां पढ़ें, क्योंकि कमा के लेके आएंगी. एंड नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो बिकॉज टू एम्पावर वुमेन टू शो दैट दे कैन बी इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन. सो द रेम्यूनरेशन, द सैलरी शुड बी अपीलिंग इनफ, राइट? हाउसिंग क्वार्टर्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, ताकि घर वालों को ये दिक्कत ना होए कि बच्चियां कहाँ रह रही हैं, उन लड़कियों को भी यू नो होए. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स, ये सारी चीज़ें जो थोड़ी गवर्नमेंट बेयर करनी करेगी. ठीक है, तो भक्तवत्सलम कमिटी, व्हाई ऑल दीज थिंग्स? टू प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन and participation, to promote girls education and participation. ठीक है, so note it down. This is Bhaktvatsalam committee for all of you. नेक्स्ट वी मूव टू कोठारी कमीशन. वेरी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस इसमें से आते हैं. नेक्स्ट वी मूव टू कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन 1964 to 66. It is also known by another name, National Education Commission. National level पे थी है. It is also known by this name. So who was the chairman here? Dr. D.S. Kothari. What was the main aim? To provide coherent education policies for Indians. Coherent in what sense? ये coherent education policy की बात कर रहे हैं, मतलब एक standardized form set होना चाहिए, that each in each and every school इतने से इतने ये classes होंगी, इनमें ये curriculum पढ़ाया जाएगा, these will be the co-curricular activities, etc. बच्चा इस क्लास में अगर ABC सीख रहा है, दूसरे में वो दो वर्ड्स को तीन वर्ड्स को कनेक्ट करना सीखेगा, so on and so forth. So एक coherent policy national level पे in all the schools will be followed. ठीक है, it should be created.
एंड इट रिवाइव्ड ऑल इट रिवाइज्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन रिवाइज्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उस रिपोर्ट का टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट देयर रिपोर्ट वॉज टाइटल्ड एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट की एजुकेशन के थ्रू नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट हाउ कैन इट टेक प्लेस दिस विल बी द कमीशन दैट विल बी मेकिंग श्योर दैट देयर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म सेटअप इन ऑल द स्कूल्स ये आपको 10+2+3 का फॉर्मेट देगी जो ऑफकोर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में चेंज करके 5334 कर देती है ठीक है सो नोट डाउन व्हाट वर द रिकमेंडेशंस सारी रिकमेंडेशंस इसकी इंपॉर्टेंट है आई विल बी नोटिंग डाउन इट ऑन अनदर पेज सो व्हाट वर द रिकमेंडेशंस नंबर वन अगर हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं नंबर वन इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न in a uniform pattern and that pattern was followed like this 10+2+3 ka pattern follow kiya jana chahiye theek hai this should be the common school system schools mein aise hi pedagogical structure would be designed like this number 2 main aim एजुकेशन का क्या है इट सेड दैट मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट और प्रिपेयर मैन पावर टू प्रिपेयर मैन पावर फॉर इंडस्ट्रीज सच एज फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल purposes for industrial and agricultural purposes number 3 number 3 3 years degree would be there and 4 years ke jo courses honge wo honors degree courses introduce kiye gaye ऑनर्स डिग्री कोर्सेज जो थे इंट्रोड्यूस्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो ऑलरेडी चल रहा था इतने टाइम से फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एजेड बिटवीन 6 to 14 years of age के बच्चों को दी जाएगी ठीक है एंड देयर शुड बी एकेडमिक फ्रीडम टू टीचर्स बच्चों को जैसे पढ़ाना है टीचर्स पढ़ा सकती हैं ऑफकोर्स इन अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ यू नो व्हाट डू वी से दायरा और समथिंग बट एकेडमिक फ्रीडम टू टीचर्स शुड बी गिवन right academic freedom to teachers and use of regional language should be there use of regional language all right and language se hi humko ek formula dekhne ka milta hai which was known as three language formula it introduced the usage of three language formula and what was this three language formula ki teen languages jo hain wo use ki jayengi kaun si languages
एक तो रीजनल हो गई, राइट, रीजनल, ऑफिशियल, ऑफिशियल या फेडरल लैंग्वेज, एंड द थर्ड वन इज हिंदी. ये तीन लैंग्वेजेस जो है करवाई जानी चाहिए स्कूल्स में. साइंस एंड मैथ्स को इम्पोर्टेंस दी गई, साइंस एंड मैथ्स शुड बी, क्योंकि आने वाले टाइम पे रिसर्च एंड एवरीथिंग इनकॉर्पोरेट्स जो है इन एलिमेंट्स को, ठीक है. साइंस एंड मैथ्स फ्री टेक्स्ट बुक्स जो है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री टेक्स्ट बुक्स दी जानी चाहिए प्राइमरी स्टेजेस पे, प्राइमरी स्टेज पे फ्री टेक्स्ट बुक्स मिलनी चाहिए. प्रोविजन ऑफ मिड डे मील्स, प्रोविजन ऑफ मिड डे मील्स शुड बी देयर, ताकि बच्चों की इनरोलमेंट बढ़े स्कूल्स में, ठीक है. और भी है, आई एम जस्ट मेकिंग यू गाइस नोट डाउन. देन नेक्स्ट वी हैव टीचर्स की रेम्यूनरेशन जो है, टीचर्स की जो रेम्यूनरेशन है, इट शुड बी अपग्रेडेड सब्सटैंशियली, ताकि टीचर्स जो है वो एनरोल हुए, एजुकेशन और बढ़े, स्प्रेड हुए. एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ऑन डिफरेंट लेवल्स. व्हाट लेवल्स दो? स्कूल्स, स्कूल्स के लेवल्स पे टीचर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग्स. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर्सेज, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर्सेज होना चाहिए फॉर हेडमास्टर्स, टीचर्स एंड एजुकेटर्स, ताकि वो भी बदलते टाइम के साथ जो है वो चीजें सीखते रहे. नहीं नहीं फॉर टीचर्स, हेडमास्टर्स, एजुकेटर्स, ठीक है, नोट डाउन. कोठारी कमीशन, इट ऑल्सो स्टेटेड दैट स्ट्रेटिफिकेशन शुड बी देयर, एक स्ट्रेटिफिकेशन होनी चाहिए, डिविजन होनी चाहिए, स्ट्रेटिफिकेशन शुड बी देयर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड्स, फंक्शंस एटसेट्रा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर देनी चाहिए. एंड नंबर 14, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, 6% ऑफ नेशनल इनकम, GDP का 6% जो है, इट शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, PYQ. दिस इज अ PYQ, योर 3-language formula. ये फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये आपका 3-language formula, मिड डे मील्स, ये जो है दे हैव बीन आस्क्ड एज योर इन योर क्वेश्चंस, ठीक है. चलिए नोट डाउन. ठीक है.
नेक्स्ट अप, नेक्स्ट अप आप लोग को पता होना चाहिए कि अब हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज बननी शुरू हो गई थी, तो 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है, देन स्विच हो जाता है ईयर, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आपकी 1986 में आती है, तो इसको ऐसे याद करेंगे, ईयर्स उल्टे हो गए, एंड द थर्ड वन वी हैव सीन हैज कम इन द ईयर 2020, ठीक है, सो NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी 2020 में आई थी, ये वाली जो दो थी इनको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बोला जाता था, बाय द वे इनको NPE बोला जाता था, इसको NEP बोला है, ठीक है. So this one 1968 was during the time of Miss Indira Gandhi and then ye Rajiv Gandhi ki government ke time pe tha, theek hai, Mr. Rajiv Gandhi ji ki term pe tha, and this one was focusing 1986 ki jo aapki education policy thi, iske bare mein thoda sa bata dun, it focused majorly on access and equity, रुक जाओ, it focused majorly on access and equity, access यानी कि सभी बच्चों को जो है वो सभी बच्चों को जो है fairly education मिलनी चाहिए, fair means के through, तो इनका main aim ये था. NEP 2020 का मेन एम क्या है, द मेन एम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन इज द मेन एम फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. तो हम पहली नेशनल एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 वाली के कुछ प्रोविजंस, कुछ रिकमेंडेशंस एंड थॉट प्रोसेसेस को नोट डाउन करेंगे, ठीक है. सो क्विकली पहले ये इयर्स लिख लीजिए, देन विल मूव फॉरवर्ड. चलिए, तो 1968 में हमारी पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में आई थी. अच्छा, इसके बारे में ये बात है दैट रिकमेंडेशंस वर देयर बट इट कुड नॉट बी, इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, व्हाई, बिकॉज देयर वाज नो फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. बस रिकमेंडेशंस दे दी गई थी बट उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई प्लानिंग स्ट्रेटेजिकली नहीं थी, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड. नाउ कमिंग टू द पॉइंटर्स, इट अरोज आउट ऑफ द रिकमेंडेशंस, इट अरोज आउट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन, ये आपका PYQ है, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस के उस पे ये अराइज हुई थी. देन द एम्फेसिस ऑफ NPE 1968 वाज व्हाट, द एम्फेसिस वाज मोर ऑन रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन, रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, radical reconstruction of education system to improve its quality har paimane pe, to improve at all stages the quality should be improved, right. एंड ये एम्फेसिस और भी जगह पे था, मॉरल, बच्चों की डेवलपमेंट जो होनी चाहिए, इट शुड बी मॉरल, मॉरल वैल्यूज डेवलप की जानी चाहिए बच्चों में, मॉरल वैल्यूज शुड बी डेवलप्ड, शुड प्रमोट, इट शुड प्रमोट नेशनल प्रोग्रेस, नेशनल प्रोग्रेस, अ सेंस ऑफ कॉमन कल्चर,
एंड सिटीजनशिप, नेशनल इंटीग्रेशन, राइट। इन्होंने ऑल्सो बोला कि साइंस और टेक बहुत इंपॉर्टेंट है बदलते टाइम के लिए, साइंस एंड टेक आर रियली इंपॉर्टेंट एंड एफर्ट्स डाले गए और एफर्ट्स डाले जाएंगे सॉरी फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो कोठारी कमीशन ने बोला था, ठीक है। एजुकेशन जो है इट शुड नॉट बी वेस्टेड, हर एक बच्चे को जो है अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। एवरी चाइल्ड शुड कंप्लीट हिज और हर कोर्स एज वेल, एजुकेशन इज नॉट अ वेस्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, ठीक है। अब 1970 में एक और कमिटी आई थी विच वॉज नोन एज द दामोदरन कमिटी, दामोदरन कमिटी, चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन वॉज जी आर दामोदरन, जी आर दामोदरन वॉज द चेयरमैन। मोर ओवर वट वर द रिकमेंडेशन, दिस वॉज अ कमिटी मेजरली फॉर द डिप्लोमा कोर्सेज की इंट्रोडक्शन एंड उसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए दिस पर्टिकुलर कमिटी वॉज मेड, राइट। सो वट वर द रिकमेंडेशन, नंबर वन वॉज अवॉइड narrow specialization at the diploma level, number two diversify diploma courses, and number three organize refresher courses for technicians organize refresher courses for technicians to address unemployment, kyun aayi thi ye unemployment of technicians and also to address or revamp polytechnic education, also one recommendation including प्रोजेक्ट वर्क, यानी बच्चों का प्रैक्टिकल भी हो जाए इन द करिकुलम,
नेक्स्ट वी हैव 1971 में एक कमेटी आई थी, एल एस चंद्रकांत कमेटी, चेयरमैन ही ये थे, ही वॉज द चेयरमैन. Now, what were the recommendations? To revise PG curricula, number one was to revise postgraduate curricula and usme laboratory and project work jo hai include kiya jayega. Number two, organize PG courses for industry. Industry में requirement के हिसाब से courses बनाए जाने चाहिए. अगर कुछ technically कुछ नया आ रहा है उसके हिसाब से उन चीज़ों को incorporate करना चाहिए. Allow institutions freedom to initiate new programs. Number four, these three only were the recommendations, not number four. ये तीन होंगी. Then in the year 1976 एक important turning point आया था. 1976 में education जो था उसको आपका concurrent list में include कर लिया गया था. ठीक है, education 1976 में education was made a part of in the concurrent. लिस्ट का पार्ट बना दिया गया था. नाउ व्हाट इज कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट मींस दैट एजुकेशन विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ. तो दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट के हिसाब से नाउ व्हेन एजुकेशन बिकेम अ पार्ट, इट मींस इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ. देन एक और कमिटी आती है 1978 में. Let's move forward. The next committee is known as CS Jha Committee, 1978. CS Jha was the chairman. Now, what were the recommendations? Distribute technical teachers training institutions, technical
टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रिपल टी आईज इन क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट द एफर्ट डिस्ट्रीब्यूट द करिकुलम डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट द सपोर्टिंग एक्टिविटीज ऑफ ट्रिपल टी आईज. ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा एंड मेंटेन अ स्टाफ स्टूडेंट रेशो. क्या रेशो रहेगी, 1:1 staff to 8 students, 1:1 staff to 8 students, यानी एक टीचर 8 बच्चों को पढ़ाएगा. ठीक है, सो दीज वर द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी, सीएस झा कमिटी फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. Then there is one more, Nayodama Committee, Nayodama Committee 1978 to 80. Chairman कौन थे, Y Nayodama, Chairman was Y Nayodama. What were the recommendations? Restructure postgrad courses to 2 years. With 3 semesters. Number 2, All India Graduate Aptitude Test in Training, Graduate Aptitude Test in Engineering, जो कि आपका गेट का एग्जाम है होता है, उसकी एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकरेज जॉइंट प्रोजेक्ट्स विद इंडस्ट्री. जॉइंट प्रोजेक्ट्स विद इंडस्ट्री Next, we move to National Policy on Education 1986, NPE
1986 नाउ, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग द फुल नेम. व्हाट वर द रिकमेंडेशंस, इसकी डॉक्यूमेंट को नाम क्या दिया गया था, इनकी रिपोर्ट को नाम दिया गया था, चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव, चैलेंज ऑफ एजुकेशन विद अ सब टाइटल अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव. What were the aims here? Aims of National Policy on Education 1986. What were the aims? To prepare students for 21st century. To prep students for 21st century. Set up schools within a kilometer. ताकि बच्चों को आने जाने में या admissions लेने में problem ना हो या education vastly spread हो. Set up schools within a kilometer. Common education structure rahega. Yahi follow hoga 10 plus 2 plus 3 wala. Funds and organizational support rahegi. Funds and organizational support is very important to implement this policy. ठीक है, क्योंकि NPE 1968 की तरह ही नहीं रह जानी चाहिए as a policy. Plus टू को जो है आपकी जो ट्वेल्थ है, आपकी जो ट्वेल्थ क्लास है, it should be a part of school education. पहले बारहवीं करके लोग कॉलेज में बारहवीं के लिए घुसते थे, अब स्कूल एजुकेशन का पार्ट रहेगी. नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू एजुकेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू एजुकेशन, इंक्लूजन ऑफ मोटर हैंडीकैप चिल्ड्रन, बच्चे जो मूव नहीं कर सकते, मोटर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, इनको भी एजुकेशन मिलेगी, शुड बी इंक्लूडेड. ठीक है, देन एक्सेस कॉमा एनरोलमेंट एंड रिटेंशन, यानी किसी भी बच्चे को टीचर्स फेल नहीं कर सकती टिल 14 इयर्स ऑफ एज, टिल 14 इयर्स ऑफ एज. फिजिकल पनिशमेंट जो है उसको रिमूव किया जाएगा. फिजिकल पनिशमेंट शुड बी रिमूव्ड एंड मोर ओवर चाइल्ड एंड एक्टिविटी सेंटर्ड लर्निंग होगी. चाइल्ड एंड एक्टिविटी सेंटर्ड लर्निंग विल टेक प्लेस. These were the recommendations of National Policy on Education 1986. Then came the Operation Blackboard in the year 1987.
ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1987, इट वॉज अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ एनपी, वट वॉज इट एमिंग एट? दैट ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज जो हैं स्कूल्स में एटलीस्ट अवेलेबल करवाए जाने चाहिए ताकि बच्चों की एजुकेशन में प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, इट शुड बी, दीज रिसोर्सेज शुड बी मेड अवेलेबल इन प्राइमरी स्कूल्स, क्योंकि फ्री प्राइमरी एंड कंपल्सरी, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन मिल रही थी ना, तो प्राइमरी स्कूल्स तक जो है वो ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, और क्या चीज़ें थी? टू क्लासरूम्स होने चाहिए, और इन रिसोर्सेज में क्या क्या था? टू क्लासरूम्स इन ईच प्राइमरी स्कूल, एसेंशियल वॉशरूम्स होने चाहिए फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि ये भी एक रीजन था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट गर्ल्स डिडंट यूज टू कम टू स्कूल्स एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग देयर पीरियड्स एंड एवरीथिंग, है ना. बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग वॉशरूम्स होने चाहिए, एंड 50% इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो फीमेल होनी चाहिए. 50% इंस्ट्रक्टर्स शुड बी फीमेल, टीचर्स ज़्यादा 50% फीमेल्स होनी चाहिए, 50% मेल, ताकि वो पैरिटी बनी रहे. ठीक है, then we move to the program of action why this program of action kyun kara gaya tha, isko acharya ramamurti ki report bola jata hai, acharya ramamurti's रिपोर्ट भी बोला जाता है इसको. सो ही वॉज गिवन द टास्क टू रिव्यू वॉट चेंजेस हैव कम आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1986. क्या वो सक्सेसफुल रही है एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली या नहीं. ठीक है, सो टू लुक एंड रिव्यू द प्रोग्रेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ, टू लुक एंड रिव्यू द प्रोग्रेस and effectiveness of NPE 1986. ठीक है, सो ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई एंड इसके तहत एक रिकमेंडेशन दी गई दैट जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको जनरल यानी कॉमन स्कूल्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए टू रिमूव ऑल द डिस्पैरिटीज दैट आर देयर. ठीक है, सो इसकी रिपोर्ट का पहले नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम? रिपोर्ट वाज टाइटल्ड एज टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमेन सोसाइटी. एंड व्हाट वाज द रिकमेंडेशन मेड अंडर दिस प्रोग्राम ऑफ एक्शन? दैट प्राइमरी स्कूल्स should be converted to general yani ki common schools to remove any kind of disparity.
थोड़ी सी कमीशंस बची हैं, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक और प्रोग्राम ऑफ एक्शन था, इसके थोड़े रिकमेंडेशन को थोड़ा साउंड कंसिडर नहीं करा गया था, तो इस वजह से देयर वाज दिस अनदर रिवाइज प्रोग्राम ऑफ एक्शन दैट ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। विल बी कवरिंग फ्रॉम देयर एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द सर्टेन स्कीम्स एंड मोर ओवर मेजरली विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज वेल। ठीक है, हमारे सिर्फ रिवाइज POA बचा है, कुछ छोटी मोटी कमिटीज बची हैं, यशवाल कमेटी, शर्मा कमेटी, अनिल का कोटकड़, एंड देन आई विल मेक यू गाइज नोट डाउन सर्टेन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड देयर एस्टैब्लिश्ड ईयर्स बिकॉज दे हैव बीन आस्क्ड इन योर PYQs। ठीक है, सो मंडे को ये चीजें कवर करेंगे। यू गाइज कैन कम रीडिंग अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन योर ओन, थोड़ा पढ़ के आइए, समझा मैं दूंगी क्लास में। We will of course be discussing that in the classroom, but give it a read on the weekend on your own. ठीक है, मिलते हैं then Monday को। Thank you, have a good day, bye.